तो हेलो गाइस वेलकम टू वीडियो और टॉपिक से आने से पहले एक बार ध्यान सुनना कि इस चैनल को प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे द तो सीवियर ऑफ ब्रोकन हार्ट्स टूटे हुए दिनों का बचुआरा अगर तुम्हें अभी भी नहीं पता चला तो थमने लो और टॉपिक्स में वैसे तुम्हें पता चल ही गया होगा पर अगर तुम्हें फिर भी नहीं पता चला तो आज हम बात करेंगे वीकेंड भाई साहब के बारे में तो भी इन भाई साहब का ये सीन है ना कि अगर तुम्हारा दिल टूटा हुआ है या मम्मेला कहने का मतलब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो कबीर सिंह बनने से पहले और नस काटने से पहले तुम इन भाई साहब के पास चले जाओ ये भाई साहब तुम्हारे हाथ तोड़ के तुम्हें ये अपराध करवा देंगे इनके गाने सिंगर हैं ये इनके गाने इतने मस्त है ना क्योंकि तुम सुनोगे ना तो तुम सीधे जिम जाओगे या तुम सीधे आई एस बनोगे ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी इन जैसे कि तुमने जैसे पुराने जमाने में होता था, था ना डांस इन गाना आगे बारिश करवा देते थे भूझे हुए दिले सॉरी भूजे हुए दिए जगा देते थे बस इनका भी सेम चक्कर ही है मेरे गाने सुनकर तुम एकदम तुम्हारा तो खुद तुम्हारा जो होता है ना अभी जो ब्रेकअप के होता है ब्रेकअप होने के बाद जो सारा होता है मेरा वहां तो तुम्हारे साथ जो भी होता होगा तो वो सब कुछ वहाँ से निकल जाएगा भाई एकदम मस्त हो जाओगे तुम तो बोलोगे मेरी भी क्या कभी को कोई गर्लफ्रेंड थी मैं जरूर से सिंगल हूँ ऐसा सिस्टम हो जाएगा तुम्हारे तो साथ तो अब इन भाई साहब के साथ ये चक्कर है ना कि इनके पास्ट में दो गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं तो अब इनके गानों के साथ ये चक्कर है ना कि भाई साहब इनके पास्ट में दो गर्लफ्रेंड रह चुके हेडेड अगर तुम्हें हेडेड का नहीं पता तो वो जी जी हेडेड की बड़ी बहन है ना शायद अगर तुम्हें जी जी हेडेड का नहीं पता तो अभी तुम बच्चे हो तुम्हारी एडोलेसेंस नहीं आई जब तुम बड़े होते हो तो अगर तुम्हें पता चले जाओ जी जी हेडेड क्या माल है सॉरी जैन मलिक का पता है तुम्हें बस जीन मलिक का तो पता ही होगा बारबल की शॉप के बाहर उसकी फोटो बस उसी के एक्स वाइफ थी हमारी जी हेडेड के साथ चक्कर था तो वो उनका ब्रेकअप वगैरह हो गया तो ने कहने की एक उसके ऊपर भी खाना बड़े बनाए हुए हैं और उसके बाद तो उसकी जो तो दोस्त की गर्लफ्रेंड थी ना वो थी सरीना गोमेज अगर तुम्हें सरीना गोमेज का नहीं पता ना तो भाई तुम इस ग्रह के हो ही नहीं तुम हो भाई साहब पीके एलियन पीके दलियन हो तो भाई साहब तुम हो पीके द एलियन तुम इस ग्रह के हो ही तुम सरीना गोमेज का नहीं पता तो अब तुम बोल रहे थे स्रीना को मेज़ के चक्कर कब था वीकेंड के साथ तो भाई साहब जो मैं जस्टिन बीवर का पता था जस्टिन बीवर श्रीना गोमेस का चल रहा था जस्टिन बीवर ने सीना गेस को तो बोला भाग यहाँ से और फिर जस्टिन बीवर उसके साथ चल गया था हेलिया के साथ ऐसा ही कुछ नाम है उसका अब उनकी शादी भी हो चुकी है तो अब तुम्हें लड़कियों का पता ही है तो श्रीना गोमेद ने कहा कि, कि स्रीना गोमेत कहती कि मैं जस्टिन बीवर को करूँगी जेलिस तो उसने वीकेंड के साथ जाके रेशनशिप कर ली ताकि वो जस्टिन म्यूअर को जेलस कर सके अब वीकेंड सीरियस था पर सीनो तो को इस तो वीकेंड का यूज़ कर रही है ताकि वो जस्टिन म्यूअर को जेलस कर सके तो बिल हैरिट को ये सब कुछ पता था तो बिल हैरिट ने फ़ोन करके बोला विलेशन को कि हेलो भाई साहब तुम्हारा ये यूज़ कर रही है पर वीकेंड को लगा कि बिल हैरिट उसकी एक्स थी तो शायद वो जेलस है सीनो को मेर और उसके रिलेशनशिप से तो वीकेंड ने फिल एडिट की बात नहीं सुनी और फिर सीना गोमेज का पता क्या था सीना गोमेज का दिमाग से तो वीकेंड था पंडिल अभी भी उसका जस्टिन जस्टिन बोल रहा था तो फिर एक दिन रात को सरना गोमेज और जस्टिन बीवर डिनर पर जाते हैं और उसके बाद शायद जैसे कि तो जो न्यूज़ आई थी तो उसे ये पता चला कि जस्टिन बीवर स्रीना गोमेज के घर पर रुका था तो उसी के अगले दिन ही इन दोनों का ब्रेकअप अनाउंस हो गया तो फिर उसके बाद इस भाई साहब ने दोनों अपनी एक्स गर्ल के ऊपर गाने लिखे हैं बहुत सारे और कॉल आउट माई नेम स्पेशली सलीना गोमेज़ के ऊपर लिखा है तो इसका एक पैराग्राफ है जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है तो वो भी मैं तुम्हारे सामने चलाऊँगा तो तुम उसका लिरिक्स पे ध्यान देना तुम्हें लिरिक्स सुनकर ही या पढ़कर ही तुम्हें पता चल जाएगा कि सलीना गोमेज के लिए लिखा गया तो भाई साहब साहब वीकेंड, वीकेंड भाई लेजेंड्स की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि कोई भी अच्छा गाना निकालना ना एक के टाइप होता है और इस इंसान ने अच्छे गानों की लाइन लगा रखी है Shameless, call कॉल आउट name, नेम लॉस्ट इन फायर hills, अर्न इट ऑफ टन स्टार बॉय आई वॉज there, blinding ब्लाइंडिंग लाइट्स डाई फॉर यू ये सारे इसी के गाने हैं गाने तो बहुत सारे गाए हैं इसने पर ये वो गाने जिनको कि भाई तुम सुनोगे तो तुम्हें नशा हो जाएगा इनका ऑफ्टन गाने का तो क्या ही कहना अगर तुम मेरे से पूछोगे ना अभी तक मैंने जितने भी गाने सुने हैं उन सब में से सबसे बेस्ट गाना कौन सा है तो मैं उसमें भाई ऑफ्टन का नाम लिखूंगा भाई साहब ये गाना सुनोगे ना मजा आ जाएगा तुम्हें और अगर तुम इसके गाने देखोगे ना जे कॉल आउट माई नेम और आई वॉज देयर तो अगर उनके कमेंट सेक्शन में जाकर तुम देखोगे ना तो लोगों ने इसे कमेंट किया हुआ है कि हाउ दिस सॉन्ग हेल्प मी रिकवर फ्रॉम माय ब्रेकअप वगैरह वगैरह तो भाई ही इज़ अ लेजेंड ब्रो क्या ही कहने इस बंदे के तो पहले ये फेमस है तो ये सिंगर पुराना पर ये फेमस अब जाकर हो रहा है तो सेम केस मेरे साथ भी है तो तू मुझे सब्सक्राइब कर दो और जाकर वीकेंड के गाने सुनो